स्वागत है आप सबका कुक विद प्रभा में एक बार फिर से बिल्कुल नई जानदार और शानदार रेसिपी के साथ। क्योंकि हम सभी को पता है कि गणेश चतुर्थी नज़दीक आ चुकी है और हम सब ये भी जानते हैं कि पप्पा को क्या ज़्यादा खाना पसंद है, तो चलिए आज हम करते हैं उनकी मोदक, मतलब उनके फेवरेट मोदक को बनाना स्टार्ट। बहुत ही ज़्यादा इजीली, बिना खोए बिना मावे के हम इसको बनाएंगे। इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए, नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो ये देखिए, मैंने आपको कट करके दिखाया, ये देखिए कितने ज़्यादा खूबसूरत बने हुए हैं। तो चलिए हम करते हैं इनको बनाना शुरू। तो अब मैं करूँगी गैस का फ्लेम ऑन और इस पे मैं रखूंगी पैन। पैन में मैंने ऑलरेडी घी डाल लिया है। जब हमारा घी गर्म हो जाएगा तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 250 ml, मतलब पूरा 1 कप सूजी, जो कि मैंने फाइन पेस्ट कर लिया है। आप चाहें तो रेडीमेड फाइन वाली सूजी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे घर पे मैंने ग्राइंड कर लिया था ये सूजी, तो मैं इसको डालूंगी ऑयल में बिल्कुल इस तरीके, और फिर स्पैचुला की मदद से मैं इसको इस तरीके चलाना चालू करूंगी और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हम भूनेंगे बिल्कुल इस तरीके। हम अच्छे से भून लेंगे इसको। अच्छे से भूनना है जब तक कि इसमें अच्छी सी सौंधी सी खुशबू नहीं आने लगती, तब तक। तो अच्छे से इसको भूनेंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से भूनना है। इस रेसिपी में आपके ज्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं लगने वाले हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब भी पापा को लड्डू या कुछ भी चढ़ाने जाते हैं, मतलब कोई भी स्वीट डिश लगता है, क्या ही चढ़ाते हैं, रोज रोज क्या ही बनाए जो थोड़ा ज्यादा आसान भी हो और हम उसे 8-10 दिन स्टोर भी कर सकें और जो पापा को पसंद भी आए। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उनको ना ये मोदक बहुत ज्यादा पसंद होती है। आज के बाद अगर आप ये ट्रिक्स फॉलो करेंगे तो उनके तो फेवरेट है ही, बट आपके भी फेवरेट होने वाले ही है। बिल्कुल इस तरीके हम इसको गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से भुनेंगे बिल्कुल इस तरीके। तो ये देखिए अभी ये किस तरीके से दाने दाने दिखने लगे हैं। जब ये बिल्कुल इस तरह के हो जाएंगे तो इस स्टेज पर आप देखेंगे कि बस एक ही मिनट बाद ये हल्के गोल्डन होने लगेंगे। ये देखिए ये गोल्डन होने लगे हैं। तो अब क्या करना है कि यहाँ पे मैंने ले ली है जिस कप से मैंने सूजी लिया था, उसी से आधे कप से भी कम हम लेंगे मलाई, मतलब कि क्रीम होता है ना, जो दूध उबालने पर, दूध के गर्म होने पर ऊपर ऊपर नहीं आ जाती एक परत, उसको मलाई कहते हैं। तो वो हम इसमें डालेंगे इस तरीके और फिर इसको भी अच्छे से इसके साथ ही मिक्स करेंगे। ऐसे में अगर ऐसा हो कि आप अपनी सूजी को नोटिस करें कि नहीं वो अभी थोड़ा सूखा ही रह गया है, तो आप उसमें थोड़ा सा और भी पानी डाल सकते हैं। इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस, कम्प्लीटली ऑप्शनल है। आप इसकी जगह पे दूध भी डाल सकते हैं। मेरा जो ये है सूजी, ये बिल्कुल भी सूखा सूखा नहीं लग रहा, ये देखिए। तो मैं इसमें इतना ही मलाई डाल रही हूँ। मलाई आप भी इतना ही डालें, ज्यादा डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको ये सूखा सूखा लगे तो थोड़ा सा आप दूध इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे से ये मिक्स हो रहा है, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। तो इस तरीके हम इसको अच्छे से फ्लेम को लो करके मिक्स करेंगे बिल्कुल इस तरीके। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। तो जब ये बिल्कुल इस तरीके का हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे ये शक्कर, जो कि उसी कप से है जिस कप से हमने सूजी को नापा था, आधे कप से भी कम शक्कर हम इसमें डालेंगे और इस तरीके अच्छे से सूजी में शक्कर को मिक्स करेंगे। ऐसे डालने से क्या होता है ना कि शक्कर जो होता है जब हम पाउडर डालते हैं तो वो अच्छे से सूजी में घुल जाता है और काफी अच्छा बनता है और इसका बाइंडिंग भी काफी अच्छी हो जाती है। तो बिल्कुल इस तरीके का हम इसको बना लेंगे।
तो ये देखिए ये किस तरीके का होता जा रहा है, आप खुद ही देखेंगे चलाते चलाते कि ये थोड़ा गीला होता जा रहा है। ये देखिए थोड़ा वाइंडिंग नेचर का आप देखेंगे ये होने लगा है। तो बस थोड़ा सा और चलाना है इसको, बिल्कुल इस तरीके, ये देखिए कितने अच्छे से बाइंड हो रहा है। तो बस थोड़ा सा हम और चलाएंगे इसको, बिल्कुल इस तरीके का ही ये बनता है। तो दोस्तों ये देखिए ये बिल्कुल इस तरीके सेट होने लगा है एक जगह, ये देखिए आप देख सकते हैं कितने अच्छे से एक जगह सेट होने लगा है। तो अब इस स्टेज पर हमें क्या करना है कि हम फ्लेम को कर देंगे ऑफ, और हम ये भी काफी अच्छे से फूल चुका है तो हम इसको थोड़ी देर ऐसे ही ठंडा होने देंगे। और अब हम चलते हैं इसका स्टफिंग बनाने की तरफ। तो अब इसका डो बनाने के बाद, मतलब इसका ऊपरी लेयर बनाने के बाद हम बनाने वाले हैं इसकी स्टफिंग। तो इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1/2 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम काजू और बादाम, उसको मैं डाल लूँगी यहाँ ग्राइंडिंग जार में। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2/3 टेबल स्पून ऑफ जैगरी यानी कि गुड़, जो कि मैंने कद्दूकस करके लिया है, इसको भी मैं डालूंगी ग्राइंडिंग जार में। तो अब मैं इसमें डालने वाली हूँ 2/3 टेबल स्पून ऑफ नारियल का बुरादा जो कि घर का बनाया हुआ है, तो मैंने मतलब सूखे नारियल को कद्दूकस किया था। तो अब मैं इसमें डालूंगी ये नारियल का बुरादा। तो अब मैं इसका लगाऊंगी ढक्कन और मैं इसको ग्राइंड कर लूंगी, थोड़ा दरदरा ही पीसना है। तो ये देखिए मैं दिखाती हूँ आपको कि हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, ये देखिए। तो अब हम थोड़ा सा चेक करेंगे कि ये बाइंड हो रहा है या नहीं। तो ये देखिए ये काफ़ी अच्छे से बाइंड भी हो रहा है। तो दोस्तों जो हमारी ये जो हमने ऊपरी लेयर बनाया था, इसके ठंडा होने के बाद हमें क्या करना है कि हम इसमें डालेंगे, सबसे पहले ठंडा होने के बाद ये मैंने नारियल का बुरादा बनाया हुआ था ये पूरा मैंने इसमें डाल लिया है। और अब क्या करूँगी, इसको मैं अच्छे से इसमें मिक्स कर दूंगी, बिल्कुल इस तरीके। बहुत ही ज़्यादा यमी बनने वाला है ये, खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा, आपको तो मज़ा आएगा ही, साथ में साथ हम जिसके लिए बना रहे हैं मतलब हमारे गणपति बप्पा, वो तो आज आप पर प्रसन्न ही हो जाएंगे। तो बिल्कुल इस तरीके हम इसमें मिक्स करेंगे इसको, और कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है आप खुद ही देख सकते हैं, अभी से इतना अच्छा लग रहा है, तो बनने के बाद तो जो होगा फिर पूछो ही मत। तो अभी क्या करना है कि ये जो हमने गुड़ का स्टफिंग बनाया था, सबसे पहले तो हम हाथों में थोड़ा सा घी लगा लेंगे। ये देखिए मैंने घी लगा लिया है। अब क्या करूँगी कि मैंने आपको दिखाया था ये कितने अच्छे से बाइंड हो रहा है, तो इस तरीके उठाऊँगी थोड़ा सा और ऐसे इसको गोला गोला बना लूँगी, बिल्कुल इस तरीके, ऐसे ही सारे बना लेने हैं। तो ये देखिए मैंने सारी गोलियां बना ली हैं और ये काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही हैं। तो दोस्तों अभी हम क्या करेंगे कि यहाँ पे मैंने ले लिया है एक मोल्ड, मोदक मोल्ड, और इसमें मैं ग्रीस करूँगी थोड़ा सा ऑयल अच्छे से, यहाँ मैंने ऑयल ग्रीस कर लिया है। अब क्या करना है कि इसको इस तरीके हम बंद करेंगे, है ना, और यहाँ से हम थोड़ा सा अपना ऊपरी लेयर का जो था उसको उठाएंगे और ऐसे डाल करके चारों तरफ हम ऐसे दबाएंगे सबसे पहले, तो ताकि ये अपने प्रॉपर शेप में आ सके, बिल्कुल इस तरीके इनको चारों तरफ से दबाना है। फिर क्या करेंगे कि ये जो हमने गोलियाँ बनाई हुई हैं, ये गोलियाँ इसको हम इसमें डाल लेंगे ऐसे, और फिर ऊपर से हम एक बार फिर से जो हमने बनाया हुआ है ऊपरी लेयर इसको ऐसे डाल लेंगे, बिल्कुल इस तरीके अच्छे से इस तरीके चिपकाते हुए चारों तरफ हम इसको ऐसे डाल लेंगे, बिल्कुल ऐसे।
तो ये देखिए मैंने इसको कितने अच्छे से डाला है, और ये कितना ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में, अभी आप खुद ही देखिएगा। ये देखिए, अगर आपके पास मोदक मोल्ड नहीं है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी ऑनलाइन परचेस करने का। वैसे तो ये मिल जाता है आसानी से इन दिनों, तो ये बहुत ही आराम से मिल जाएगा, क्योंकि अभी तो गणेश चतुर्थी आ रही है, तो ये आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा। तो ये देखिए, वाव, इट्स जस्ट अमेजिंग, कितना ज़्यादा खूबसूरत हमारा मोदक बनकर तैयार हुआ है, कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, आप देख सकते हैं। तो ऐसे ही हम बाकी सारे भी बनाएंगे। तो अभी ये जो मोदक मैंने बनाया है, इसको सबसे पहले तो मैं रखूंगी एक प्लेट में, और इसको मैं करूंगी थोड़ा सा गार्निश। गार्निशिंग के लिए मैं इसमें यूज़ करूंगी, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक केसर का धागा लगाऊंगी। बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप ना लगाएं, बट अगर लगा लेंगे तो इसकी ब्यूटी में तो चार चांद लगने से कोई रोक ही नहीं सकता। ये देखिए कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है, मैंने थोड़ा सा बादाम से भी इसको गार्निश कर लिया है। आपकी चॉइस है आप इसे किस तरीके गार्निश करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे काफ़ी अच्छे से गार्निश कर लिया है, और इसकी ब्यूटी तो आप खुद ही देख सकते हैं। ये देखिए, तो ऐसे ही हम बाकी सारे मोदक भी बना लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा बेहद स्वादिष्ट और खूबसूरत, खूब ज़्यादा भगवान को, मतलब हमारे गणपति बप्पा का फेवरेट, ये टेस्टी टेस्टी मोदक बनकर हो चुके हैं रेडी। और ये कितने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं आप खुद ही देख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इजी भी थे बनाने में, आप चाहे तो इन्हें हाथों से भी बना सकते हैं, बिल्कुल भी टफ नहीं है, और कितने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं ये देखिए। तो अगर आपको हमारी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी तो फटाफट से कर ले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी ही नई रेसिपीज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।